क्रैक डाउन करूंगा और उसको मैं जहाद फी सबीलुल्लाह समझकर कर रहा हूं। ये सिर्फ मेरे अल्लाह ताला को पता और मेरे बीच में आई है। और आपने देखा है कि माजी में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती थी जो सालों में वो हमने वो महीनों में किए हैं। पीपुल्स पार्टी की जब कैबिनेट उठी है उसको मेरे ख्याल 2.5 महीने हुए हैं या थोड़ा 3 महीने होने वाले होंगे। अभी तक 225 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, तो समझे रोज़ाना एक कार्रवाई हो रही है। 225 एक्शन हो चुके हैं जिसमें जिस मुआशरे की सबसे बुरी जड़ इस वक्त समझी जाती है सिंथेटिक ड्रग्स क्रिस्टल और आइस, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन हुआ है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी भी है मौजूद। अनफॉर्चुनेटली मंशियात हमारे मुआशरे में बहुत बुरे तरीके से कैंसर फैलता है जिस्म में, इस तरह हमारे मुआशरे में मंशियात फैल गई है। लेकिन उसके बावजूद हम उस पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और नेक नीयत के साथ कर रहे हैं और बगैर किसी उसके कर रहे हैं कि यहाँ पर जा सकते हैं यहाँ पर नहीं जा सकते। जहाँ पर हमें इत्तला मिल रही है वहाँ पर कर रहे हैं। हैदराबाद में ही एक कार्रवाई के लिए हम आए थे 2-3 दिन पहले। एक मशहूर ड्रग पेडलर था जो पिछले 15 साल से पुलिस को और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। उसको उसके लिए जो है वो तलाशियां की गई, चेकिंग की गई, फिर एक जगह पुलिस से मुकाबला उसका हुआ जिसमें जख्मी हालत में उसको गिरफ्तार हुआ। और वो एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर था और ख़ासतौर पर रूरल एरिया में और जो बाकी टंडोलाया और मीरपुर यहाँ पे क्रिस्टल राइस का सबसे बड़े बड़े डीलर वो था। अब वो भी पकड़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से काफ़ी लोग मुकाबले में जो है वो मारे भी गए हैं, कुछ जख्मी भी हुए हैं, काफ़ी गिरफ्तार भी हैं। कल हमने परसों कोरंगी में कराची में एक फैक्ट्री पकड़ी है। उस फैक्ट्री में इम्पोर्टेड लिक्वर जो यहाँ पे बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, उसकी जिस तरीके बॉटलिंग होना, बॉटलिंग की पैकेजिंग होना, जैसे उसके सील लगाते थे सारी चीज़ें, तो ये मैं समझता था कि ये यही काम अगर कोई ये कोई किसी और काम चीज़ के लिए करते शायद उनको ज़्यादा अपना काम मिलता। लेकिन खैर, तो इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ पर भी हमें इत्तलात मिल रही हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बॉर्डर्स पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बलूचिस्तान सिंध बॉर्डर और पंजाब सिंध बॉर्डर पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कराची शहर में भी हो रही हैं और पूरे सिंध में जहाँ जहाँ पर हमें मौका मिल रहा है, जितने भी हमारे पास इस मैन पावर है, बिल्कुल नेक नीति के साथ एक्साइज के पूरे हमले को बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि ज़ीरो टॉलरेंस है मंशियात के खिलाफ। तो मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जो है सिंध पुलिस भी कर रही है, ANFP फेडरल गवर्नमेंट की वो भी कर रही है और ख़ास तौर पर एक्साइज एंड नागपुर डिपार्टमेंट का की फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी इस वक्त मंशियात है। और देखिए जी, बजट जो है ज़ाहिर कोई भी हुकूमत शौक से पेश नहीं करती। हाँ, पीपल्स पार्टी को जिस जिस चीज़ पे रिजर्वेशन है वो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अपने रिजर्वेशन उन फोरम्स पे शेयर कर भी रही है, मजीद भी करेगी जहाँ जहाँ पे हमें एतराज़ात हैं कि कहीं भी अगर जाती है तो। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क का इस वक्त हल वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट पर लोगों को लेके आएँ और लोग टैक्स दें, जो टैक्स दें। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो ऐसा नहीं होता कि लोग जो टैक्स ना दें। पूरी दुनिया में मुझे किसी एक मुल्क का नाम बताएं जहां पानी का गिलास मुफ्त में बताओ। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लोगों को पानी भी चाहिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लोगों को बिजली भी चाहिए, लोगों को हर चीज़ें चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो बिल पे नहीं करते, काफ़ी लोग टैक्स नहीं देते। तो खैर, इनके रेट्स कम होने चाहिए, पानी बिजली बाकी चीज़ों के रेट्स कम होने चाहिए, लेकिन वो कम तब होंगे जब हम सब टैक्स देंगे। होता ये है कि जो लोग टैक्स नहीं देते उससे उसका असर उन लोगों पे भी पड़ता है कि जो वाकई मुखिया हजरात हैं उनको वो सहूलतें गवर्नमेंट ने देनी है। तो खैर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हासिल करने के लिए मैं समझता हूँ कि बजट में जहाँ पे एतराज़ होंगे तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसको फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको एड्रेस करेगी और आवाम की ये जहाँ पे जाती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी। जब से लास्ट आपने कहा
मैंने यही नहीं कहा कि मंशात ख़त्म हुई है, मंशात का इस्तेमाल अभी भी चल रहा है, और मैंने कहा कि एक्शन भी चल रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि शायद हमें कोई फिगर को गलत दे रहा होगा, मैंने मेरे पास अगर मैं एक्साइज की बात करूँ तो मैं ऑपरेशन को खुद हेड कर रहा हूँ, मैं खुद डील कर रहा हूँ उनको, कि मुझे पता है कि जहाँ मुझे इतला मिलती है वहाँ पर हमारी फोर्स जाती है। मैंने जब पहली मंशात के कोई हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में मीटिंग की थी हैदराबाद में ही, ईद के कोई दूसरे दिन मंशात के खिलाफ, और शुरुआत भी हैदराबाद से की थी, और यही कहा गया था कि जी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे उस पर क्रैकडाउन होगा, और बहुत सख्त क्रैकडाउन, और वो हो रहा भी, नज़र भी आ रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो हमारी हेल्प करें। लास्ट भी आप शायद प्रेस क्लब में नहीं आए थे हैदराबाद में जब मेरी बात हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि सहाफ़ी दोस्त निशानदेही करें, आप लोगों के पास मेरे नंबर हैं, मैं आपके साथ जो आपने एक्साइज के पूरे हमले को कल बैठ के आपकी मीटिंग भी करवा देता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं पर 1 करोड़ रुपये की मिल रही है, तो जहाँ 1 करोड़ रुपये की मिल रही है आप वो जगह तो बताएं ना, आप हमारी नहीं मुझे अच्छा मैं आप अर्ज करूँ ना मुझे आप एग्जैक्टली जगह बताएं कि जहाँ पे ये है, पूरे इलाके का नाम लेना, आपने मिसाल के तौर पर किसी एक एरिया का नाम ले लिया, एरिया तो बहुत बड़ा हुआ ना, मुझे जहाँ पे आपकी हेल्प है। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी हमारी है उनको ढूंढना, वो ढूंढ भी रहे, लेकिन जहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है बराए मेहरबानी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरा ये नेशनल टीवी पर मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है। कोई भी अड्डा चला रहा होगा, कोई भी वहाँ पर मंशात बेच रहा होगा, वो कानून के हिसाब से उसको टैकल किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। मुझे आप जगह भी बताइएगा, इंशाल्लाह हम लोग पहुँचेंगे। पाकिस्तान में अच्छा, दो तीन बात। पहले आपने बात की कि MQM ने कोई बयान दिया, देखिए एक तो मैंने कहा आज ईद का टाइम है, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, आज मेरी तरफ से भी अच्छा पैगाम जाएगा, और MQM के पास अभी ये एक ही चीज़ रह गई है बयान देना, तो वो उनको देने दे बेचारों को, ज़रा उनको अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखना है तो वो ये बयानों के ज़रिए ही ज़िंदा रह सकते हैं ना, मीडिया के ज़रिए। प्रैक्टिकल आपको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो बेहतर है कि वो अगर सियासी तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं, बयान दे के किसी को बुरा भला बोल के, तो उनका सर्वाइवल वही है। दूसरी, आपने हैदराबाद की बात की, देखें चैलेंजेस हैं, ठीक है, और काम भी जो है पहले भी हुए हैं और मजीद भी कर रहे हैं, और हुकूमत संघ जो है इस बार खुसूस तौर पर हैदराबाद के पैकेज दे रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला होगी, हैदराबाद की पूरी इंतज़ामिया, हैदराबाद के मेयर, हैदराबाद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं MNAs MPs मिनिस्टर्स भी हैदराबाद को दो मिले, तो सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें हों। आप देखें कि जैसे हैदराबाद में हमने बसें शुरू की तो एक अच्छी एक चीज़ नज़र आने शुरू हुई, अब और मज़ीद भी जो है हैदराबाद में हमारा इरादे हैं और बसेस के रूट्स भी शुरू करें, इस तरीके से जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, वासा की इन्हेंसमेंट के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इसी तरीके से जो भी हैदराबाद के बाकी इशूज़ हैं, अभी बस स्टैंड जो है हैदराबाद के बदीन बस स्टैंड या बाकी वहाँ पर भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो है वो चीज़ों आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो हैदराबाद हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और अलहमदिल्ला हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को एक मेजॉरिटी दी है, एक अच्छी अक्सरियत दी है, और अक्सर ना भी मिलती तो यहाँ इंसान रहते हैं, ये नहीं कि ये जो पीपल्स पार्टी के वो वोटर हों, जो भी शख्स जहाँ पे भी रहता है वो इंसान रहते हैं, और इंसान की खिदमत बगैर जो है वो किसी तफावत की होनी चाहिए। अली मिल जाओ, आ रहा सवाल मेरा ये है कि वफाक के प्रोजेक्ट्स सदन के अंदर आके तामीर का शिकार क्यों हो जाते हैं, क्या वो इंडस हाई वे हो या वो ये मोटरवे का मंजूबा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2022 के सैलाब के बाद क्या हुकूमत सिंध आने वाली किसी तरह की किसी किस्म की जो नागहानी आपत्ति होती है इसके लिए कोई तैयारी करने जा रही है 2024 के अंदर भी
प्रेडिक्शन यही है कि तेज बारिश होंगी और सैलाब आना चाहिए। देखिए जी, आपका जो पहला सवाल था वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पे, देखिए जी, ये हकीकत बात है कि पिछले कोई काफ़ी अरसे से, बहुत बड़े अरसे से, जो डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी चाहिए वो बाकी सूबों में ज़्यादा नज़र आई है, सिंध को शेयर कम मिलता है। हमारे पास एक ये चीज़ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के हमारे रास्ते हैं, जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, और जो प्रोविंशियल रोड्स हैं वो सूबाई हुकूमत बनाती है। आप ये देखें कि यही वफाकी हुकूमत बाकी सूबों में सूबाई रोस्ते भी बना रही होती है, वो देहातों को वापस मिला रही होती है। हमारे जो नेशनल हमारी मेन आर्टरीज हैं, और वो हमारी अकेले की मेन आर्टरीज नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की मेन आर्टरीज हैं। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ तो पोर्ट सिटी कराची है, कराची से जो है वो गाड़ियों को, जो गुड्स को, जो ट्रांसपोर्ट को जाना है, वो पूरे पाकिस्तान नॉर्थ तक जाना है। तो ये जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की, और जो सक्कर और हैदराबाद वाला रास्ता है वो अभी तक बातों तक तो फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रैक्टिकली तौर पर वफाकी हुकूमत ने जो ध्यान देना चाहिए अपनी मेन आर्टरी पे, आपके दिल पे, पाकिस्तान का दिल है, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इम्पोर्ट्स, आपका टैक्स का शहर कराची, उस पर वो ध्यान नहीं दिया।